उनमें तो बहुत ज़्यादा जज्बा है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करती हैं, मैडम हमारी हाइट पूरी कर दें। मैंने कहा हम तो नहीं कर सकते। लड़कियाँ यूनिफॉर्म देख के ज़्यादा इम्प्रेस हो रही हैं कि वो यूनिफॉर्म को शौक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है कि हम आपकी जैसे यूनिफॉर्म पहने, आप सब हमें अच्छी लगती है। आप बेटी छोटी सी लग रही हो उज़्मा, आप प्यारी सी गुड़िया सी, लेकिन जब आप पुलिस में चले गए तो आपको तो कोई पुलिस वाली समझेगा कि नहीं ये क्या बच्ची खड़ी हुई है। रोब तो मेरा बहुत है, घर वालों से पूछे ज़रा आप। और मैं ये कह रही थी कि अगर अल्लाह ना करे कि कोई रह जाए, और अगर रह भी जाए तो हमने खुदकुशियाँ नहीं करनी, हमने नेक्स्ट पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस लॉ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर बख्त, और मेरे साथ हैं रिमशावन। नाज़रीन आज अभी हम मौजूद हैं पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह में, और यहां पे जो हमारे पुलिस की कैंडिडेट्स हैं, पुलिस की जो भर्तियाँ जो शुरू हुई थी उसके आज अगला मरहला है। आज यहां पे मेजरमेंट होगी हाइट की, चेस्ट की, और देखा जाएगा कि कौन अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करता है और कौन नहीं करता। और हमारे साथ जो है मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं, और दोनों का जो जज्बा उम्र मैं देख रही हूँ और आप भी देख रहे होंगे कि जो जोश और जज्बा और जिनमें वलवला है ना, वो काबिल तारीफ है। लोग बड़े पैशनेट हैं, लोगों के पास ऑलरेडी प्रोफेशन है मैंने, हाँ। और देखने में भी मैंने देखा है कि कुछ लड़के बड़े बड़े अच्छे बैकग्राउंड से, लेकिन वो पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसकी सिर्फ एक रीज़न है कि वो अपनी कौम को सर्व करना, बिल्कुल वो मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, हिफाजत करना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो उन्हें चीज़ें अट्रैक्ट करती है वो यूनिफॉर्म है। जी हाँ, वो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं। बाकी की बातें आप देखेंगे, और सबसे पहले चलते हैं अपने फीमेल्स की तरफ, और आइए चलते हैं देखते हैं कि फीमेल्स की कैसी मेजरमेंट हो रही है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। नाज़रीन इस वक्त मैं लेडीज़ सेक्शन में मौजूद हूँ, जहाँ पे लड़कियों की जो है हाइट की और वेट की मेजरमेंट की जा रही है, कैसे की जाती है, क्या स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं पंजाब पुलिस की तरफ से, और लड़कियों से भी जानते हैं कि किस पैशन के तहत जो है वो पंजाब पुलिस में आना चाह रही है, उनका क्या जज्बा है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं इकट्ठे मिलकर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइट मेजरमेंट की जा रही है, और हमारे साथ अब मौजूद हैं मैम मदिया जो कि सब इंस्पेक्टर, वो हाइट मेयर कर रही हैं, उनसे जानते हैं कि क्या स्टैंडर्ड हाइट है, और हाइट के अलावा भी कोई चीज़ चेक की जाती है खासतौर पे लेडीज़ के लिए, क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम मदिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। मैं मुझे बताइएगा कि लड़कियों की हाइट, और जब उन्होंने सारी बातें फॉर्म सबमिट करवा दिया तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो लड़कियों की देखी जाती हैं, मेयर की जाती हैं उसमें? लेडीज़ का तो स्पेशली हम हाइट ही मेयर करते हैं, सिर्फ हाइट अभी देखी जाती है, उसके बाद फर्दर प्रोसीजर जो होता है वो बाद में हम डिसाइड करते हैं। तो अगर कोई लड़की एक्सपेक्ट कर रही है तो उस तरह वो किस तरह आपको पता चलेगा, क्योंकि जाहिर बात है ट्रेनिंग में वो ट्रेनिंग नहीं कर सकती, तो उसका कोई क्राइटेरिया है ये चीज़ चेक करने का आपके लिए, आपके पास अभी इस स्टेज पर? इस स्टेज पर तो नहीं, ये क्राइटेरिया बाद में अफसरान बताते हैं कि उसे कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, मतलब अभी सिर्फ आप हाइट चेक करते हैं, तो एटलीस्ट कितनी हाइट होनी चाहिए? 5'2" जो है वो मिनिमम हाइट है, जब स्टार्टिंग इनको लेना है तो 5'2" से स्टार्ट, मतलब 5'2" एक स्टैंडर्ड हाइट है, उससे कम अगर हाइट होगी तो आप रिजेक्ट हो जाएंगी। तो लड़कियां तो काफ़ी वो करती होंगी कि नहीं मैम हमारी ज़्यादा हाइट है, दोबारा हाइट चेक करें। जी जी, हम फिर दोबारा करते हैं, फिर रिव्यू भी करते हैं, तो फिर जो रिजेक्ट है वो रिजेक्ट है, जिसकी हाइट कम है ऑब्वियसली 5'2" से कम होगी तो वो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब 5'2" हाइट जो है वो स्टैंडर्ड हाइट है, अगर 5'2" से आपकी हाइट कम है तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है आपके पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने की। अच्छा मैम, क्या जज्बा देखती हैं, क्या पैशन देखती हैं लड़कियां जो आती हैं इसमें? उनमें तो बहुत ज़्यादा जज्बा है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करती हैं, मैडम हमारी हाइट पूरी कर दें। मैंने कहा हम तो नहीं कर सकते, जैसे स्केल करेगा वैसे ही हम लोग उसे करेंगे। थैंक यू सो मच मदिया। इनकी सबसे जो मेन चीज़ है वो हाइट चेक हो रही है, और उसके अलावा यहाँ पे इस स्टेज पे भी कोई चेकिंग नहीं की जाती है। उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तब आपका मेडिकल करवाया जाता है कि आया कि आपको कोई बीमारी है, या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, या और कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं है, तो आपको जो है वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और वो जो है वो होल्ड कर लेते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, या उससे नेक्स्ट ईयर 10 साल का एक अर्सा होता है जिसमें आप अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, ये जो है लाइन वाइज आगे भेजा जा रहा है, और ये किस तरह आगे जा रही हैं, किस तरह इनकी मेजरमेंट्स की जा रही हैं, और ये लाइन में लगी हुई हैं, ये क्यों लगी हुई हैं, ये हम पूछते हैं सिद्रा से, क्योंकि सिद्रा लाइन को मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सिद्रा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह लाइन में आपने खड़ा किया हुआ है, क्या ज़रूरी होनी चाहिए चीज़ें इनके पास? एक्चुअली हमने इनको सीरियल वाइज बिठाया हुआ है, फॉर्म वाइज। जी जी, तो जो हमारे पास फाइल्स इनकी फॉर्म वाइज पड़ी हुई हैं वो हम फॉर्म अनाउंस करते हैं इनका नेम, और ये हमारे पास अपनी स्लिप और आईडी कार्ड नंबर लेके आ जाते हैं। आईडी कार्ड जी, स्लिप और आईडी कार्ड नंबर ज़रूरी है? जी जी बिल्कुल, जैसे कि ये है
ये इसकी स्लिप है, साथ में इसका आईडी कार्ड, इसकी हम ओरिजिनल आईडी कार्ड और हम इनकी पिक्स मैच करते हैं, इनके फेस के साथ मैच करके फिर हम इनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, इनकी जो आईडी कार्ड है वो और उनकी जो पिक है आईडी कार्ड पे और वो जो दूसरी पिक लगी हुई है वो मैच होनी चाहिए एंड देन फिर उन्हें आगे कहा जाता है और वहाँ पर उनकी हाइट मेल की जाती है। सिद्धा, क्या पैशन देखती हैं लड़कियों में? लड़कियाँ यूनिफॉर्म देख के ज़्यादा इम्प्रेस हो रही हैं कि वो यूनिफॉर्म को शौक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं कि हम आपकी जैसे यूनिफॉर्म पहने आप सब हमें अच्छी लगती हैं, तो इसलिए ज़रा एम्बिशियस हैं। हालांकि बहुत पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, मैरिटेड हैं, इनके 1000 से अबव भी हैं मार्क्स, 1100 में से 1033 एक लड़की आई हमारे पास, 1045 मार्क्स थे उसके आउट ऑफ 1100, तो बस माशाल्लाह शायद हमारा डिपार्टमेंट इनको अट्रैक्ट करता है इतना। इंशाल्लाह ज़रूर, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दी गर्ल्स जो के भी आई हैं। और अब हम लड़कियों से बात करते हैं, बच्चियों से, कि उनका क्या पैशन है? पुलिस को ज्वाइन करना क्या बाई चॉइस है या बाई फोर्स किसी ने कहा था और फिर उन्होंने ज्वाइन किया? तो आइए अब हम लड़कियों से बात करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों से। अच्छा, मेरे साथ अब फिज़ा मौजूद हैं, फिज़ा से जानते हैं। फिज़ा बड़ा खुश नजर आई है। अस्सलाम वालेकुम फिज़ा। वालेकुम अस्सलाम। फिज़ा, क्या सोच के आई हो पुलिस में? मेरे पापा पुलिस में हैं तो अच्छा। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है अपने वतन के लिए कुछ करने का, कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाऊँ, मतलब कहीं पे अगर सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छे तरीके से मतलब अपनी ड्यूटी को यूज़ कर। इसके अलावा पुलिस जब ज्वाइन कर लोगी तो क्या आपके फ्यूचर गोल्स हैं? पुलिस ज्वाइन करूंगी, सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगी। फैमिली को सपोर्ट करना भी बेसिक नेसेसिटी है। और आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हुस्ना शहजादी है। हुस्ना, क्या सोच के आई हो पुलिस? बड़ी टफ जॉब होती है, पता है आपको, नाकों पे खड़ा होना पड़ता है। जी पता है, मगर मेरे बाबा का बहुत शौक है और उससे ज़्यादा मुझे शौक है, मेरे बाबा मेरा साथ दे रहे हैं। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस फोर्स में आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करूँ। अच्छा, अगर सेलेक्ट ना हो पाई फिर क्या करोगी? नहीं, अल्लाह पे उम्मीद है मुझे, मैं हो सकती हूँ। अच्छा, मतलब उम्मीद पूरी है? जी उम्मीद पूरी है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक हुस्ना। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ जो है लड़कियाँ वेट और हाइट को लेके तो कॉन्शियस है, और साथ साथ लड़कियां हो और मेकअप के बारे में कॉन्शियस ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो हमारे साथ जो बड़ी प्यारी प्यारी सी बच्चियां हैं और वो मेकअप कर रही हैं और बकायदा अपने बाल बना के तैयार हो रही हैं, ऐसे तो नहीं है वो इंटरव्यू देने आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उज़्मा शहजादी। उज़्मा, बड़ी तैयार श्यार होके आई हो, बड़ी खुश हो लग रहा है। यस मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस जॉब के लिए, मुझे बहुत क्रेज है इसका, तो मैंने अपना माइंड सेट कर लिया, तो मैं इसे इंशाल्लाह अचीव कर लूँगी। अच्छा, इंशाल्लाह अचीव करूँगी। अच्छा, अगर उज़्मा कहीं 1% सोचा कि अगर ना हुआ तो क्या करूँगी? अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, बड़ा तैयार श्योर हो के आई हो, इसकी क्या वजह है? सुबह सुबह इंसान को फ्रेश हो के तो ज़रा नहा के तो तैयार श्यार हो के आना चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी इंसान की जाहिर होती है, उसके बोलने से, उसकी ड्रेसिंग से पता चलता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है और किस तरह है उसका। अच्छा, अब बेटी छोटी सी लग रही हो उज़्मा, आप प्यारी सी गुड़िया सी, लेकिन जब आप पुलिस में चलेगी तो आपको तो कोई पुलिस वाली समझेगा कि नहीं, ये क्या बच्ची खड़ी हुई है? ऐसे कैसे नहीं समझेंगे, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अप्लाई किया, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा पुलिस में। और रोअप तो मेरा बहुत है, घर वालों से पूछे ज़रा आप। चलिए देखते हैं कि उज़्मा का रोब होगा, और बेस्ट ऑफ लक उज़्मा। थैंक यू। अल्लाह पाक आपके हक में बेहतर करे और जो आपके लिए बेहतर है वो हो। चलिए हम बाकियों से बात करते हैं, बाकी भी बड़ा तैयार शहर होकर आई हैं और बड़ी पैशनेट हैं लड़कियाँ। ये बड़ा एक मैंने पॉजिटिव एलिमेंट देखा है कि हर लड़की बड़ी पैशनेट है अपने वो फील्ड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा नदीम। अलीशा, क्या सोच के पुलिस ज्वाइन कर? बस पैशन है इनकी, ड्रेसिंग, इनकी जो वर्दी है, यूनिफॉर्म है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगती हैं स्पेशली लेडीज़, तो इसी वजह से मैंने मतलब पंजाब पुलिस में अप्लाई किया। अच्छा, प्यारी तो दूसरी भी हैं, ठीक है, नो डाउट, लेकिन आपकी क्या तालीम है? मेरी, मैंने ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं अभी कंटिन्यू है मेरी। जी कंटिन्यू है। आपका नाम क्या है? निदा। निदा, आप क्या सोच के पुलिस ज्वाइन करने लगी? सेम आपको भी यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करता है? अच्छा, आपको पता है कि नाकों पर भी ड्यूटी होती है? जी बिल्कुल, तो फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, नाकों पे ड्यूटी कर लोगी? जी बिल्कुल। कलर ख़राब हो जाएगा? नहीं होता, होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में, कॉन्फिडेंस। जी अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजा। अंजा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? बरकी। बरकी से आई हो। अच्छा, क्या सोच के आई थी? मम्मी बाबा ने रोका नहीं कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, ये कहाँ पर जा रही हो? पुलिस तो बड़ी टफ जॉब है।
स्पेशली मेरे मामू हैं वो पुलिस में हैं, तो उन्होंने मना किया है कि नहीं जी आपने नहीं करना, बच्चियों को ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। लेकिन मेरा शौक है, मैंने खुद बनना है, पुलिस में जाना है और तरक्की करनी है, और इंशाल्लाह इंस्पेक्टर तक मैं बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो अल्लाह ना करे अगर ना हुआ आपका तो फिर क्या करोगे? ना हुआ तो फिर उम्मीद तो होती है ना, तो इसलिए मैं उम्मीद लेकर घर से आई हूँ, तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्यों नहीं, बेस्ट ऑफ लक आप तीनों को, के अल्लाह पाक आपके हक में बेहतर करे। ये कोई बात करना चाह रही हैं और देखते हैं कि क्या बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत क्यूट लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सायरा महमूद। सायरा, अभी आप कुछ कह रही थी, वो जरा क्या कह रही थी आप बताए? मैं आपको ही देखते हुए सोच रही थी और अंदाज़ा लगा रही थी कि आप भी बड़ी एक्साइटेड हैं, बाकी सारे भी बहुत खुश हैं। और मैं ये कह रही थी कि अगर अल्लाह ना करे कि कोई रह जाए, और अगर रह भी जाए तो हमने खुदकुशियाँ नहीं करनी, हमने नेक्स्ट पढ़ना है, यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। यहाँ पे एक सर थे, कहते बेटा आपने बिल्कुल भी हार नहीं माननी, आपने ये नहीं सोचना यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म, मैंने जाके शरबत पी लेना, मैंने जाके ये कर लेना, मैंने वो कर लेना, ज़िंदगी यहीं पर नहीं रुक जाती, आपने बढ़ते जाना है। जो एक मेरी ठोकर लगी है तो कोई नहीं, दोबारा उठ के दौड़ जाओ। बिल्कुल, गिरते हैं शाह सवार ही, बिल्कुल बिल्कुल। और जितना इंसान गिरता है ना उतना ही वो सीखता है और आगे बढ़ता है, और अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, और क्यूट क्यूट लगे से मिलते रहने चले। लाइक यू, थैंक यू सो मच सायरा, आपसे बात करके मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और क्या बात? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय है। कहाँ से आई हो? मैं लाहौर पुराने गाने से। अच्छा, तो क्या पैशन है, किस क्या सोच के आई हो? पहली बात ये कि मतलब ये जो वर्दी है उसे देख के एक जोश जज्बा, वो मतलब हमारे फौजी हैं जब वो सरहदों पे लड़ते हैं तो उन्हें देख के बहुत मतलब पुरजोश होते हैं, दिल करता है कि हम भी जाके सरहदों पे लड़ें। अच्छा। तो वैसे अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंशाल्लाह ठीक है, अभी कर रहे हैं ट्राई, तो इंशाल्लाह उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना है। आमना, क्या सोच के आई थी? मैं यही सोच के आई थी कि मैं मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मैं पुलिस में भर्ती होंगी और मैं यहाँ के मुल्क की दहशतगर्दी ख़त्म करवाऊँगी। मतलब होता है ना, एक एम होता है लाइफ का कि लाइफ में क्या करना है, तो मुझे शौक है आर्मी में जाना, पुलिस में जाना। अच्छा अच्छा, आमना मुझे एक बात बताओ कि जब आई हो और आपको पता है कि पुलिस की जो जॉब है ना वो बड़ी टफ़ होती है, नाकों पे खड़ा होना पड़ता है, फिर प्रोटेस्ट होते हैं बड़े हैवी किस्म के, उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, तैयार हो के आई हूँ? जी, मैं जब शहीदों को देखती हूँ या ऐसे देखती हूँ जो वतन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मेरे अंदर जज्बा पैदा होता है कि मैं भी कुछ करूँ अपने वतन के लिए, और मैं तैयार हूँ कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे, रनिंग में कामयाब करे, यही टेंशन है मुझे रनिंग की। अच्छा, रनिंग होगी अभी इसके बाद आपकी? इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जो है अभी इनकी हाइट मेजर हो रही है, और हाइट के बाद जो है वो रनिंग होगी इनकी, और रनिंग सिर्फ लड़के और लड़कियों की नहीं, लड़कों की नहीं होती, सॉरी लड़कियों की भी होती है, वो भी जो है वो मेजर करते हैं। और अब हम हमारे साथ जो है इंस्पेक्टर साहिबा गजाला मौजूद हैं जो कि इंचार्ज हैं, उनसे जानते हैं कि क्या प्रोसीजर है, फॉर्म तो जमा हो गए हैं, क्या क्या चेक होगा और किस तरह जो ये आगे जो प्रोसीजर है वो कैरी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा मैम, मुझे बताइए कि यहाँ पे जो है क्या फॉर्म जमा करवाने के बाद क्या प्रोसीजर है, अभी हाइट में ये हो रही है, उसके बाद क्या हो गया और किस तरह भर्तियाँ हो रही हैं? हाँ जी, यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो आज हम ये मेजरमेंट कर रहे हैं लेडीज़ की, इसके बाद जो फिट होती हैं उनको फॉर्म हम दे देते हैं, और जो अनफिट होता है फिर उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोसीजर हमें डिस्क्राइब किया गया है, फिर उसके बाद जो डेट अनाउंस होगी कि उसमें फ़िज़िकल जो दौड़ होती है हमारी रनिंग होगी, तो उसके लिए फिर अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि किस दिन वो फ़िज़िकल जो है एक्टिविटी किस दिन होगी। अच्छा मैम, फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए क्या क्या होता है, सिर्फ रनिंग होती है या लड़कियों को कुछ और भी करवाया जाता है? हाँ जी, लेडीज़ के लिए तो रनिंग है, उसका टाइम एक फिक्स किया हुआ है कि 10 मिनट्स है, तो उसके लिए बस यही है कि ठीक है, रनिंग होगी, हाइट में ही होगी, और इसके बाद जो है वो फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू पे होगी। हाँ जी, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू की होगी, और रिटन टेस्ट भी होगा इसमें। अच्छा, इसके बाद भी एक रिटन टेस्ट है? हाँ, रिटन टेस्ट भी है। अच्छा मैम, क्या जज्बा देखती हैं जो बच्चियाँ आ रही हैं, बड़ी छोटी उम्र है और बड़ा पैशनेट है, मैंने बात भी किया उनसे, क्या लगता है आपको कि पुलिस कल्चर जो ये आने से, लड़कियों के आने से तब्दीली आएगी?
डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि लेडीज़ को इस डिपार्टमेंट में आना चाहिए और हम मतलब बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना काम कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी इस जॉब में लास्ट फ्यू ईयर से हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ख़वातीन को ज़रूर इस फील्ड में आना चाहिए और अपनी जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपना आपको मनवाना चाहिए कि क्योंकि मर्दों में जब मर्द इस हर डिपार्टमेंट में है, ख़वातीन हर डिपार्टमेंट, तो शाना काम कर रहे हैं हम। मैम थोड़ा टफ नहीं हो जाता ये जॉब को कैरी करना, बच्चियां जो है आपको लगता है क्योंकि आप तो आपके सामने कई बैचेस आए हैं और कई लड़कियां आती हैं, तो जब वो फील्ड में जाती हैं तो उनका जज्बा कम होता है या उतना ही रहता है? नहीं, डेफिनेटली ये चेंजेस आती हैं जब आपने ख़वातीन को ऑब्वियसली घर को भी लेके चलना होता है और फिर इसके साथ साथ जॉब को भी लेके चलना होता है, और जब तक वो बच्चियां बैचलर होती हैं तब तक तो इसको बड़ी एक्साइटेडली और अच्छे तरीके से कैरी कर लेती हैं। उसके बाद भी मतलब एक डिटर्मिनेशन तो होती है ना, एक जॉब के साथ आपकी अटैचमेंट होती है, तो कोशिश तो होती है कि ये, लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर मैरिज और बच्चों के साथ फिर दोनों को मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन हाँ जी मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ साथ फिर वो इसको मेंटेन करती हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमने आपको दिखाया कि कैसे लड़कियों की जो हाइट मेजरमेंट हो रही है और कितना जोश और जज्बा है लड़कियों में, और इसके बाद जो है इनकी दौड़ होगी, फिर एक फाइनल इंटरव्यू नहीं होगा, इसके बाद इनका एक पेपर होगा या टेस्ट टाइप होगा और फिर इनका मेडिकल होगा और फाइनली ये सिलेक्ट हो जाएंगी। और हम विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द गर्ल्स जो के भी आई हैं, अल्लाह पाक उनके सबके हक में बेहतर करे। और अब हम चलते हैं दोबारा उमर के पास और उमर से जानते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए उमर के पास चलते। हाइट मेजर की जा रही है, नौजवान बहुत ज़्यादा पुरजोश है, नौजवान फुल ट्राई कर रहे हैं, अभी पैर उसके ज़मीन पे लगे हुए हैं और तीन से चार पुलिस एहलकार जो हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स हैं इस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। और ये देखें, और मेरे ख्याल से इसका ही जो हाइट है वो बराबर हो गई है, इसकी हाइट उस मेजरमेंट के मुताबिक निकल आई है। अब इंचेस पे और वेट पे डिसाइड होगा कि कौन पुलिस को एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करेगा और कौन इस लाइन से वापस घर जाएगा। मेरे साथ आइए मौजूद हैं इस टाइम शफीक साहब। शफीक साहब सब इंस्पेक्टर हैं और सारे प्रोसीजर को देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या क्या मेजरमेंट ले रहे हैं, किस तरह मेजर कर रहे हैं? हमें हाइट में चाहिए 5'7" और चेस्ट में चाहिए 33 और 34.5। अच्छा जी जी, तो आइए ये किस तरह, ये एक हमारे पास कैंडिडेट नाज़रीन मौजूद है, उनसे देखते हैं ये किस तरह प्रोसीजर होगा। शफीक साहब ये बताएँ कि क्या इसके लिए हाइट होनी चाहिए? इसके लिए 5'7" में चाहिए और इसकी है 5'9". इसकी वी शेप हम बनवाते हैं पाँव की, ताकि कोई कद में कमी बेशी ना रह जाए, ये क्राइटेरिया हमारा। अच्छा, ये अभी वी शेप इस वजह से करते हैं, ये बाज कैंडिडेट्स पीछे से एड़ियां उठा लेते हैं। अच्छा। जिनका कम होता है, इसलिए हम फिर तसल्ली के लिए, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो और किसी को बेजा फायदा ना हो। अच्छा, ये अभी हाइट इनकी पूरी है कि नहीं पूरी? इनकी माशाल्लाह आधा इंच पूरा ज्यादा है। ठीक है, अब इनका आगे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? नेक्स्ट हम इनकी चेस्ट नापेंगे। अच्छा चले मेजर करते हैं। नाज़रीन हाइट में तो ये कैंडिडेट अब लग रहे हैं कि ये हमारे ये फिट है, माशाल्लाह ज्वाइन करने जा रहे हैं। इनकी हाइट चेक करते हैं, अगला मरहला देखते हैं जी। बाजू फैलाओ, आप मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, सांस निकाल दें, सांस निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें। नाज़रीन सांस निकालना है, गिनती करें, गिनती करें, 10 तक गिने ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज। की कर देनी पापा? पापा अपना बिजनेस है। चलें फुलाएं, बिजनेस है अपना, फुलाएं, छाती फुलाएं, फुलाएं जी। ये इनकी छाती जो है वो 36 है नॉर्मल में। अच्छा। और 37.5 जो है वो है। अच्छा, फुलाओ के बाद तो ये कहने का मतलब ये है कि ये अभी सिलेक्ट हो गए हैं, सिर्फ अगले मरले नहीं हुए, ये सिर्फ दौड़ के लिए सिलेक्ट हुए हैं, दौड़ लगाएंगे तो अगले मरले में जाएंगे। नाज़रीन एक मरले में तो ये हमारे जो कैंडिडेट है ये पास कर गए, लेकिन अभी इसके इम्तिहान और भी, अभी दौड़े भी लगेंगे और दौड़ों में पता लगेगा कौन एज ए कांस्टेबल बनेगा या नहीं बनेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं और बुलाते जा रहे हैं, हमारे पास कैंडिडेट्स की कतार बहुत लंबी है और सारे कैंडिडेट्स को बारी बारी पूछा जा रहा है। आइए कुछ कैंडिडेट से बात। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। नाज़रीन हमारे साथ ये वही कैंडिडेट मौजूद हैं जिनका अभी इन्होंने मेजरमेंट ली। कैसे हैं आप? मैं ठीक। क्या नाम है आपका? हुदैरा।
क्या क्या चीज़ें पूरी हो गई आपकी? मेरी हाइट भी पूरी हो गई है, चेस्ट भी पूरी हो गई, सारा कुछ पूरा है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर नहीं हो पाता तो क्या होगा? कोई बात नहीं, किस्मत है फिर अपनी, दुनिया छोटी नहीं है, और कोई काम मेरा ऐसे ही है बिल्कुल। जज्बा जवान है? हाँ जी, शौक है बस, इस वजह से ना जिम भी शुरू की है। अच्छा, एक साल पहले से पता लगा था मुझे आनी है वैकेंसी, उसी वजह से मैंने जिम शुरू की है, तो बस अब नाज़रीन हमारे इस नौजवान ने जिम भी ज्वाइन की, पुलिस के इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए इनका जज्बा को सलाम, और ये इंशाल्लाह ज़रूर मुझे लग रही है पुलिस को ज्वाइन करेंगे। आइए हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो एक लंबी कतार धूप में बैठे हैं उनसे बात करते हैं और देखते हैं अभी आगे इनके साथ क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। धूप है, लंबी लाइन में बैठे हुए हैं, लगता है कि आप ये आपकी मेजरमेंट पूरी हो पाएगी? जी उम्मीद तो है, बैठे हुए आगे ब्रेक का टाइम आ गया। अच्छा, फिर एक घंटा और वेट करना पड़ेगा। जॉब छः बजे तो क्या करेंगे? उम्मीद लेके आए तो मैं कोशिश तो कर रहे हैं, अगले साल फिर लास्ट चांस है। नाज़रीन चांस आखिरी है लेकिन पूरी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन हमारे साथ एक और कैंडिडेट मौजूद है, तैयारी मुकम्मल है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी सलाम। अभी तो काम शुरू नहीं हुआ, पहले तैयार हो गए हैं जी, इसीलिए कि ये किसी किसी की क्या उम्मीद करते हैं कि पूरी होगी, हाइट पूरी होगी इंशाल्लाह जी, पहले भी पूरी पूरी होगी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे आप क्या काम करते हैं इसके अलावा? जमीनों के पास जी जी जी। अगर ना हो पाए तो क्या करेंगे? नहीं इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह पर यकीन है इंशाल्लाह। नाज़रीन देखते हैं कि इनकी हाइट में इनका क्या बनता है, आइए प्लीज। जी गुलफाम साहब, हाइट पूरी है? बिल्कुल पूरी है इनकी। नाज़रीन हाइट तो होगी पूरी, 7.5 इंच है। अब होगा चेस्ट, अब देखते हैं चेस्ट में क्या बनता है। सांस छोड़ो, बिल्कुल सांस लूज करो अपने आप को, हवा बाहर निकालो, लूज करो, लूज करो, सांस बाहर निकालो, काउंटिंग करो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। हाँ जी, तो हाइट सर इनकी पूरी जी। अब आगे क्या होगा? अब अभी तो दौड़ भी लगनी है जी इंशाल्लाह, दौड़ पहले भी मैं कर चुका हूँ, उम्मीद है उसमें पास कर पाएंगे, अल्लाह के हुक्म से यकीन है। क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? आपकी तो जमीनें हैं, आप तो वहाँ पे करते हो, उससे ज्यादा तनख्वाह है। जॉब तो जॉब है ना, फिर भी सरकारी और पंजाब पुलिस से मुझे वैसे भी बहुत प्यार है और मेरा ये शौक है बचपन से की खिदमत करना चाहते हैं जी। राजन ये पैशन चाहिए कि ऑल दो वो जॉब ना भी करें तो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि अपनी कौम की, अपनी पंजाब की आवाम की खिदमत कर सकें और इनको सर्व कर सकें। आइए चलते हैं हमारे साथ और कैंडिडेट हैं, उनसे बात करते हैं। चल हूँ साहब, 36.5, 37, 38। अच्छा सर, इनकी हाइट पूरी है? हाँ पूरी है। चेस्ट पूरी है? जी चेस्ट पूरी है। हो जाएगा? हाँ जी सर, दौड़ लग जाएगी इंशाल्लाह। वजन ज्यादा नहीं है? पुलिस में क्यों आना चाहते सर? मेरा शौक है, ठीक है, मेरे वालदन का भी शौक है कि मेरा बेटा पुलिस ज्वाइन करे। ना हो पाए तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, फिर भी अल्लाह ताला जरूर, वो अल्लाह की मर्जी है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा आएंगे। हाँ इंशाल्लाह। नाज़रीन ये हमें रवैया चाहिए, हमारा पैशन चाहिए कि अगर इस साल ना हो पाए तो नेक्स्ट साल दोबारा बात करेंगे। नाज़रीन इनसे बात की, आइए हमारे पास और कैंडिडेट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लड़के बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, देखते हैं अब क्या बनता है। अभी ये हमारे पास एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सांस को खींच रहे हैं, अब देखें इनसे क्या बनता है। दोबारा से दोबारा से ठीक है, 33 चाहिए आपकी तो ज्यादा, 35 के करीब, रिलैक्स फुली रिलैक्स हो जाओ, पे हमें 1.5 इंच आपने बढ़ाना है, पहले नॉर्मल हो जाओ। अच्छा नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, इसमें कोई हमारे पास इस तरह का कोई मैयर नहीं है कि एक ही मौका मिलेगा। उस लड़के को प्रॉपर रिलैक्स होने का भी चांस दिया जा रहा है कि आप रिलैक्स हो जाएं, अगर आपका नहीं सही निकली छाती तो आपसे निकले। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेजरमेंट हो जाएगी पूरी जी इंशाल्लाह? हो जाएगी इंशाल्लाह, उसके बाद दौड़ भी लगेगी इंशाल्लाह। ज़हनी तौर पे तैयार है जी? बिल्कुल। नौकरी अगर होगी तो चौकों में खड़ा होना पड़ेगा, नाकों पे खड़ा होना पड़ेगा, मुजाहिरीन के साथ आपको मुजाहिरीन को रोकना भी पड़ेगा। कौम की हिफाजत के लिए इंशाल्लाह लड़ेंगे। नाज़रीन लड़के हर तरह से रेडी हैं, लड़के बात करने के लिए रेडी हैं, लड़के इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हैं, मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं कि अगर ये जॉब हो जाती है तो हर तरह की जो हमारे पास सिचुएशन होगी उसको कैटल करने के लिए वो रेडी हैं। अच्छा यार, आप तो मुझे कहीं से पुलिस वाले लगते नहीं, आप अगर पुलिस वाले हो गए तो आपसे तो वाम डरेगी नहीं इंशाल्लाह? डरेगी सर जब होंगे तो। नहीं नहीं, आपने कानून की पासदारी के लिए जब आपने कंप्लायंस करानी है, वाम मानेगी आपकी बात इंशाल्लाह? इंशाल्लाह।
नाज़रीन आपने देखा कि हमारे कौम के लड़के और लड़कियां कैसे दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं पुलिस के इस प्रोफेशन को एज ए पैशन ज्वाइन करने के लिए, और उनमें बड़ा एक वलवला मौजूद है कि अपनी कौम को सर्व करने के लिए इंच इंच पे डिसाइड हो रहा है कि कौन बंदा अगले मरहले तक जाएगा, इम्तिहान में जाएगा, दौड़ लगाएगा और आया वो पुलिस को एज ए प्रोफेशन ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान उमर बख्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।